हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हो आप। और आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं रिज्यूम कैसे बनाते हैं। दोस्तों वैसे तो जो है हमने इस पर एक और वीडियो बना रखा है जिस पर आपको बहुत सारा जो है प्यार हमें मिला है। और यहाँ पर लेकिन कुछ दोस्तों को जो है प्रॉब्लम आ रही थी और कुछ दोस्त चाहते थे कि हमें कुछ भी नहीं करना पड़े और जो हमारा रिज्यूम है वो बिल्कुल तैयार हो जाए, सिर्फ नाम, एड्रेस और क्वालिफिकेशन वो चेंज करनी पड़े। तो यहाँ पर हम कुछ ऐसा ही तरीका लेके आ चुके हैं आपके लिए। हमने एक रिज्यूम बनाकर तैयार कर दिया है और जो है हमने अपलोड कर दिया है अपने टेलीग्राम चैनल पर। वहां से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं और उसे आप एडिट कर सकते हैं। और वहां से सिर्फ आपको उस रिज्यूम के अंदर अपना नाम, अपना एड्रेस और अपनी क्वालिफिकेशन चेंज करनी है और आपका जो रिज्यूम है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा सिर्फ 2 मिनट के अंदर। यानी कि दोस्तों ये जो रिज्यूम है आपको किस तरीके से एडिट करना है इस वीडियो के अंदर हम आपको पूरे डिटेल से बताने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप रिज्यूम बनाना सीख जाते हैं बिल्कुल आसान तरीके से तो ये वीडियो जरूर लाइक जरूर कर देना, क्योंकि दोस्तों आपका एक लाइक हमारी मेहनत को सफल बनाता है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा लीजिए जिससे कि हम आपके लिए वीडियो लाते रहे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। तो दोस्तों यहां पर आपको जो रिज्यूम है किस तरीके से एडिट करना है चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर हम आ चुके हैं इस मोबाइल की स्क्रीन पर और यहां पर सबसे पहले आपको प्ले स्टोर के अंदर आ जाना है और प्ले स्टोर के अंदर आपको सर्च करना है WPS ऑफिस। और यहां पर आपको WPS ऑफिस नाम से ये जो एप्लीकेशन है आपको इंस्टॉल कर लेना है। ये हमने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है तो ये अभी हम इसे इंस्टॉल नहीं कर रहे हैं। ये आपको इंस्टॉल कर लेना है और जैसे ही इसे इंस्टॉल करेंगे आप तो कुछ परमिशन मांगेगा, उसे आपको ग्रांटेड कर देनी है। इतना करने के बाद यहाँ पर आपको जो है टेलीग्राम ऐप है वहाँ पर आ जाना है और यहाँ पर हम इसे जो है टेलीग्राम ऐप है वो आपको ओपन कर लेना है। जैसे आप टेलीग्राम ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको सर्च बॉक्स में सर्च करना है @KioHelp01। यहाँ पर आपको @KioHelp01 करके जो है सर्च कर देना है और यहाँ पर इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। ये हमारा चैनल है ऑफिशियल, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है रिज्यूम की जो फाइल है वो आपको मिल जाएगी। यहाँ से आपको 3 डॉट है इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद सेव टू डाउनलोड पर क्लिक कर देना है और ये जो है आपका डाउनलोड होने लग जाएगी ये फाइल। तो इस तरीके से आपको ये जो फाइल है डाउनलोड कर देना और बिल्कुल बैक आ जाना है। बैक आने के बाद यहाँ पर आपको जो है WPS ऑफिस जो ऐप है उसको ओपन कर लेना है और ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा टाइम लग रहा है ओपन होने में। यहाँ पर आपको फाइल मैनेज का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। जैसे ही डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो डाउनलोड जहाँ पर भी हमने किया है वो शो होने लग जाएगा। तो यहाँ पर आपको रिज्यूम फाइल बाय KioHelp देख लीजिए वाला ऊपर दिखाई दे रहा है। उसके बाद लेफ्ट साइड में एडिट पर क्लिक करके यहाँ पर आपको एडिट कर लेना है। एडिट मोड ओपन हो चुका है। यहाँ से आपको जो अपना नाम है वो एडिट कर लेना है। देख लीजिए यहाँ से हम नाम चेंज करके दिखा देते हैं आपको। तो ये हम नाम चेंज कर रहे हैं तो जो शुरुआत वाला लेटर है वो आपको छोड़ देना है, अजय राज वाला, तो यहाँ पर ए को छोड़ देना है। उसके बाद आपको नाम लिख लेना है क्योंकि ये सेम साइज़ वाला जो वो लेटर्स हैं वो आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। अगर आप पूरा डिलीट कर दोगे तो सेम लेटर्स नहीं मिलेंगे। उसके बाद अब आप यहाँ से ए हटा सकते हैं, सेम लेटर आपको मिल गए हैं तो सामने से ए हटा दीजिए। यहाँ पर राम सिंह हो चुका है। जीमेल आईडी इसी तरीके से आप चेंज कर दीजिए। शुरुआत वाला जो लेटर है उसे आप छोड़ के सेम लेटर प्राप्त कर सकते हैं, बाकी जो है बाद में उसे भी शुरुआत वाला जो लेटर है उसे भी आप हटा सकते हैं। यहाँ से हमने जो है नाम वगैरह आपको इस तरीके से चेंज कर लेने हैं और कुछ भी चेंज नहीं करना है। एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो एक्सपीरियंस यहाँ पर आपको डाल देना है, नहीं तो आपको यहाँ से फ्रेशर हो तो यहाँ से आपको पूरा ये जो है डिलीट कर देना है और यहाँ पर आप जो है फ्रेशर लिख सकते हैं। यहाँ से टूल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करके जो है लेटर्स के जो साइज़ हैं वो भी आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर टूल पर क्लिक करके देख लीजिए, हम टूल पर क्लिक करके दिखाते हैं आपको। यहाँ पर साइज़ है 10 हो रखा है तो यहाँ पर 14 कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर देख लीजिए हमने 14 कर लिया है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम अब फ्रेशर लिख देते हैं और इसे मैनेज कर लेते हैं। थोड़ा सा यहाँ से आगे से स्पेस दे देते हैं इसमें। इस तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं। यहाँ से फ्रेशर हो चुका है। यहाँ पर एजुकेशन में जो भी आपकी जो परसेंटेज वगैरह है और जो कॉलेज का नाम है उसे आप इस तरीके से चेंज कर सकते हैं क्लिक करके। और यहाँ से आप जो भी चेंज करेंगे वो आप कर सकते हैं आसानी से इस तरीके से। फिर आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है। यहाँ पर आपको जो क्वालिफिकेशन है वो चेंज करने के बाद यहाँ पर नीचे आ जाना है आपको और यहाँ पर पर्सनल डिटेल के अंदर यहाँ पर आपका जो पर्सनल डिटेल है, जो एड्रेस है वो चेंज कर लेना है, डेट ऑफ बर्थ है वो चेंज कर लेनी है, जेंडर, यहाँ पर नेशनलिटी वगैरह जो भी है आपको अपने हिसाब से चेंज कर लेना है। रेफरेंस में अगर आपको कोई रेफरेंस में है तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ से आपको नो रेफरेंस भी कर देना है।
यहाँ पर नो रेफरेंस हम कर देते हैं, हमारे पास कोई रेफरेंस नहीं है। तो अगर किसी का रेफरेंस से आप जा रहे हो वहाँ पर, तो वो भी आप यहाँ से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम फिलहाल नो रेफरेंस कर देते हैं। बस इतना करने के बाद आपका रिज्यूम है जो तैयार हो चुका है। अब इसे सेव कैसे करना है, तो यहाँ पर टूल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर फाइल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर सेव एज पर आपको क्लिक कर देना है। सेव एज पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लोकेशन का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर फ़ोन पर क्लिक करना है। फ़ोन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको न्यू फोल्डर, आप यहाँ पर प्लेस पर जाकर न्यू फोल्डर बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम R4 के नाम से जो है फोल्डर बना देते हैं और यहाँ पर ओके कर देते हैं, और यहाँ पर R4 ओपन करने के बाद यहाँ पर सेव कर देते हैं। तो ये जो है हमारा जो रिज्यूम है वो सेव हो जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पर स्पेस नहीं देना है हमें, यहाँ पर सेव हो जाएगा ये हमारा। तो इस तरीके से सेव हो चुका है। अब इसे जो है मिनिमाइज़ कर देते हैं हम, और आपको दिखा देते हैं कि किस तरीके से अब इसे आप PDF में बदल सकते हैं। उसके लिए आपको जो है क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद यहाँ पर जो क्रोम ब्राउज़र का जो सर्च बॉक्स है, तो देख लीजिए यहाँ पर हम क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं। सर्च बॉक्स में यहाँ पर आपको सर्च करना है I love PDF। यहाँ पर आपको I love PDF जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी, और यहाँ पर आपको इस तरीके से जो है ऑप्शन दिखाई देंगे। यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करके नीचे चले जाना है, और यहाँ पर आपको जो है वर्ड टू PDF का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद सेलेक्ट वर्ड फाइल पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको जो है अपने फाइल मैनेजर के अंदर से जो है वो फाइल जो हमने सेव करी थी उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो ये हमने जो है R4 नाम से जो फोल्डर बनाया था, फाइल मैनेजर के अंदर हम चले जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है फ़ोन का ऑप्शन आ जाएगा, उस पर क्लिक करना है, और यहाँ पर R4 के नाम से जो है फोल्डर देख लेते हैं हम। यहाँ पर ये रहा R4 पर क्लिक करना है, और यहाँ पर रिज्यूम फाइल को यहाँ पर सेलेक्ट करना है और ओके कर देना है। उसके बाद कन्वर्ट टू PDF पर क्लिक कर देना है, और यहाँ पर जो आपकी जो वर्ड फाइल है वो PDF में बदलने लग जाएगी, और यहाँ से उसके बाद डाउनलोड PDF कर देना है। उसके बाद ये जो है डाउनलोड आपको कर लेना है, और ये जो रिज्यूम है आपका डाउनलोड हो चुका है, इसे आप PDF में बदल चुका है ये। अब इसे आप देख लीजिए Adobe Acrobat Reader में आप जाकर ये चेक कर लीजिए, और इसे आप प्रिंट निकलवा सकते हैं WhatsApp के थ्रू, या कहीं से भी जाकर आप अपने जो है रिज्यूम को प्रिंट करवा सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपना रिज्यूम घर पर ही बना सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताना। इस वीडियो के लिए बता है एक लाइक, चैनल बन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा लीजिए, जैसे कि हम आपके लिए ऐसे मजेदार वीडियो लाते रहे हैं, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।